बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लेटेंट हीट की डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। तो लेटेंट हीट को हम डिफाइन करते हैं L इज इक्वल टू क्यू ओवर एम। ये लेटेंट हीट का सिंबल है। ये M यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा और Q जो है ये हीट एनर्जी है। तो हम लेटेंट हीट की डायमेंशन निकालते हैं इस तरह से। लेटेंट हीट की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ हीट एनर्जी क्यू ओवर डायमेंशन ऑफ मास एम। हम ये जानते हैं कि हीट एनर्जी क्यू और वर्क डन एक ही चीज़ है, दोनों की सेम डायमेंशंस हैं, सेम यूनिट है। और वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी हमने किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालनी है तो हमारा टारगेट ये है कि हम उस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिख लें। ये हमारे पास लेटेंट हीट है, ये डिपेंड करती है एनर्जी क्यू और मास पे। और एनर्जी क्यू जो है इसको हम फर्दर देखते हैं कि हम जानते हैं एनर्जी क्यू और वर्क डन एक चीज़ है, और फर्दर देखते हैं कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर मुश्तमिल है। और फर्दर हम इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तो L इज इक्वल टू फोर्स के बारे में हम जानते हैं ये है मास इनटू एक्सेलरेशन और साथ है डिस्प्लेसमेंट और बटे में m। जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी हमने उनको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते जाना है। तो तब एंड पे जाके हमने जो बेस क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस का सिंबल है हमने वो दर्ज कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ से मैं इनको सेपरेट करके लिखता हूँ अलहदा अलहदा, मास की डायमेंशन, एक्सलरेशन की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ओवर मास की डायमेंशन। और एक्सलरेशन के लिए मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि एक्सलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये टाइम बेस क्वांटिटी है, इसको मैंने सेपरेट करके लिखा। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एक्सलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको जब हमने बेस क्वांटिटी की टर्म्स में लिखा तो ये बना डी ओवर टी स्क्वायर। डी डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट लेंथ है, ये बेस क्वांटिटी होगी, इसकी डायमेंशन एल आएगी। टी टाइम है, इसकी डायमेंशन कैपिटल टी। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आ जाती हैं एल टी माइनस टू। तो अब यहाँ पे हम डायमेंशंस दर्ज करते हैं, मास बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट लेंथ है, इसकी डायमेंशन होगी एल, और ये मास है तो इसके लिए कैपिटल एम। अब इन तमाम टर्म्स को एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू एल। ये जो बटे में टर्म है ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा, नीचे m था ऊपर जाके m माइनस वन, और एक स्क्वेयर ब्रैकेट में कंबाइन करके लिखेंगे तो m l और l l स्क्वेयर t माइनस टू और m माइनस वन। अब ये m की पावर यहाँ वन है और यहाँ माइनस वन है, तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास टर्म बनेगी m की पावर 0, 1 माइनस वन 0 बन गया, एल स्क्वेयर और ये t पावर है माइनस टू। और ये जो हमारे पास यहाँ पे l लिखा हुआ ये लेटेंट हीट का सिंबल है, ये डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अब सिमिलैरिटी आ गई, ये भी l आ रहा, ये भी l, ये जो L है ये लेंथ की डायमेंशन है और ये L जो है ये सिंबल है लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट की डायमेंशन आ जाएगी, बेहतर है कि हम इसे लेटेंट हीट ही लिखते रहें साथ साथ, लेटेंट हीट की डायमेंशन आ जाएगी L स्क्वेयर T माइनस टू। यहाँ से हम देख सकते हैं दैट इज L स्क्वेयर T माइनस टू। अब मैं इसको यहाँ पे सिर्फ लेटेंट हीट ही लिख देता हूँ ताकि एंड पे जाके वो जो सिमिलैरिटी है उसको हटाया जा सके।
तो ये लेटेंट हीट की हमने डायमेंशंस कैलकुलेट कर ली, दैट इज एल स्क्वेयर टी पावर -2।